तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट बिस्वकी बर्फी। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को टू दिस अमेजिंग बैच, दैट इज टक्कर बैच 2024-25 और टक्कर बैच के इस लेक्चर नंबर वन, मतलब एक नया चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स का, लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का। और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, चलो देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आई होप कि कल आप लोगों ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी। और चलो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे क्लास को आज और देखते हैं कि क्या हमारा आज का कोट ऑफ द डे रहने वाला है। द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर, अरे यार एक मिनट रुकना, ये कलर चेंज कर लो एक बार पेन का। हाँ, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। एजुकेशन का जो रूट्स, रूट्स यानी जो एजुकेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है, वो पीता, मतलब वो क्या बोल सकते हैं आपको, एक मिनट, हाँ यार वो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, खट्टा लग सकता है आपको, है ना। स्टार्टिंग में आपको एजुकेशन क्या लग सकता है, खट्टा लग सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड लग सकता है जो भी कुछ आप लोग अगर नया शुरू करना चाहते हो, बट जो आपको फल मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। आगे चलते हैं, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप आज हम लोग आज के क्लास में हम लोग ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे हो आप सभी लोग, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपको अगर मैं कुछ बताऊं तो अभी रिसेंटली, मतलब हाँ अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे वेबसाइट पर जो है किसी बच्चे ने रिव्यू दिया है, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब लगा मुझे। कुछ कुछ रिव्यूज बहुत अच्छे आते हैं, कुछ कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स बहुत हार्श भी आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। आज बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो, इन आर प्रीवियस क्लासेस, हमारे पिछले क्लासेस जैसे क्लास 6th, 7th और 8th में वी हैव एन आइडिया अबाउट द लाइंस एंड एंगल्स। तो क्लास 6th, 7th और 8th में हमको एक बेसिक आइडिया मिल गया था लाइंस और एंगल्स के बारे में, ठीक है। फ्रॉम चैप्टर 5, हमारे क्लास 9th के चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री से हमको ये पता चला था कि ए लाइन कैन बी ड्रॉन यूजिंग टू पॉइंट्स। अगर आपको दो, कोई भी दो पॉइंट्स दिया गया होगा तो दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है, ठीक है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कुड बी पास। सिमिलरली व्हेन टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सिमिलरली जब दो या फिर दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं या फिर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टाइप ऑफ लाइंस, बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल्स और उनको बेस करके, ठीक है, और उनको बेस करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। और आपको ये याद में दिलवा दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका बेस है, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप लोग जान लोगे तो आप लोग ट्राइंगल्स इजीली कर लोगे, कोऑर्डिनेटर्स इजीली कर लोगे और सर्कल्स इजीली कर लोगे, ठीक है। ये सारे आज के मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट था ये चैप्टर का। अभी चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पर, ठीक है। हम लोग अभी जानेंगे कि कितने टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हाँ, एंगल्स जानने से पहले हम लोग पहले बेसिक टर्म और डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। क्या क्या बेसिक टर्म और डेफिनेशन हम लोगों ने ये पहले से जान रखा है, ठीक है, हम लोगों ने पहले से जान रखा है हमारे चैप्टर नंबर 5 में मैंने ये सब
सब कुछ बताया है, बट चलो फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। सपोज देखो ये एक लाइन है ना, एक मिनट रुकना। हाँ ये एक लाइन है, ब्लू से करते हैं ये वाला। ये एक लाइन है आपका, है ना, ये एक लाइन है आपका। तो ये लाइन का क्या कोई एंडिंग पॉइंट है? क्या कोई एंडिंग पॉइंट है ये लाइन का? नहीं, बिल्कुल नहीं है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये लाइन एंडलेस है, ये लाइन एंडलेस है, जहां पर चाहिए आप इसको एंड करवा सकते हो। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट में आप उस लाइन को एंड करना चाहते हो, वो पॉइंट आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, वो मतलब वो जो पार्ट है लाइन का, वो पार्ट आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब देखो लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, बट एक लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट्स होता है, और लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है। सपोज मैं ये पूरा लाइन से ये वाला पार्ट, पूरी लाइन से ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करूं, तो ये वाले पार्ट में क्या होगा? तो ये वाले पार्ट में आपका जो है दो लाइन सेगमेंट, यहीं पर मैं ये वाले लाइन को एंड कर देना चाहता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं ये वाले लाइन को एंड कर देना चाहता हूँ, या इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो 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 एंड पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, दो दो एंड पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सपोज ये एक लाइन है ए, सॉरी लाइन सेगमेंट है ए, ये लाइन है पूरा ए बी, और लाइन सेगमेंट यहाँ से हम लोग ले रहे हैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। सो यहाँ पर आप लोग लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप लोग लाइन को रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसे, एक मिनट, कुछ ऐसे, यहाँ पर एक डॉट। हालांकि अभी हमारे इस क्लास में इसको यूज नहीं किया जा रहा, प्रीवियस क्लासेस में यूज किया जा रहा था, है ना, इस क्लास में इसको यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि देखो क्योंकि टाइम बचाना है थोड़ा सा, है ना, इसीलिए। देखो ये पहले पहले था रूल्स, अभी भी रूल्स है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू को कुछ ऐसे बस एक ऊपर में बार देकर लिखेंगे। अच्छा, रे क्या होता है? रे भी एक पार्ट होता है लाइन का, बट रे के पास बस एक ही एंड पॉइंट होता है। मतलब अगर हम लोग ये वाला लाइन लेंगे, ये वाला एक लाइन लेंगे, और ये वाला लाइन को आधा आधा कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट, ये तो एंड हो गया ना भाई, ये तो और एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये तो एंड हो गया, यहीं पर एंड कर दिया हम लोगों ने इसको। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाले पार्ट को रे बोलेंगे। ये वाला एक एंड पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ये तो एक्सटेंड हो सकता है, कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ये पार्ट ऑफ ए लाइन है, वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। ठीक है, लाइन का रे भी एक लाइन का पार्ट ही होता है, लेकिन इसके पास बस एक ही एंड पॉइंट होता है। अभी लाइन सेगमेंट और रे हमको समझ में आ गया, अभी कोलिनियर पॉइंट समझते हैं कि क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ना, कि अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन पर लाई करे, ये एक पूरा लाइन है, ठीक है, ये एक पूरा लाइन है कि नहीं, ये एक पूरा लाइन है कि नहीं, हाँ ये एक पूरा लाइन है। जब यहाँ पर तीन पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, तीन या फिर तीन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी और सी। तो ये वाला पूरा पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब पूरे पॉइंट्स नहीं, ए को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, बी को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, और सी को एक कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि सेम लाइन में तीन या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट लाए करें। क्या अगर सी लाए नहीं करता, क्या हम लोग ए और बी को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है, अगर बी नहीं होता, क्या हम लोग ए और सी को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते? नहीं बोलते। इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि एक लाइन में तीन पॉइंट्स रहना चाहिए, इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। इसको अगर आप लोग एक्सटेंड करो, मतलब दो लाइन से नहीं हो सकता, है ना, दो लाइन से देखो नहीं हो सकता, एक ही लाइन रहना चाहिए, एक ही लाइन में तीन, मिनिमम तीन पॉइंट्स रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये एक लाइन है, यहाँ पर एक अगर आपका ए लाई कर रहा है, यहाँ पर ऊपर अगर आपका बी लाई कर रहा है, एक मिनट, हाँ
यहां पर अगर आपका बी लाई कर रहा है और इस वाले पॉइंट पर सी लाई कर रहा है, ये क्या चल रहा है फिर, रुक जाओ। हाँ, यहां पर आपका सी लाई कर रहा है सपोज, ठीक है, सपोज आपका यहाँ पर सी लाई कर रहा है, तो क्या ये हम लोग इसको कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं? क्या हम लोग इसको कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं, इसको कोलिनियर पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक लाइन में तीन पॉइंट्स या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी एंगल पर आते हैं कि एंगल क्या होता है, जब दो रेज, वन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब दो रे सपोज ये एक रे है और ये एक रे है, तो क्या हम लोग ये यहाँ पर कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि एक एंगल है, क्योंकि दो रे हैं और सेम एंड पॉइंट से वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट बोला था ना, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट बोला था ना, तो क्या ये सेम एंड पॉइंट से आ रहे हैं? एक मिनट यार, क्या ये सेम एंड पॉइंट से आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम एंड पॉइंट से आ रहे हैं, ये ही एक ही एंड पॉइंट है ना इनका, इनका एक ही एंड पॉइंट हो ना, तो एक ही एंड पॉइंट से जब दो रे पास कर रहे होंगे, ठीक है, एक ही एंड पॉइंट से जब दो रेज बन रहे होंगे, पास नहीं बन रहे होंगे, ओरिजिनेट हो रहे होंगे, तभी ये जो बीच में ये जो एंगल फॉर्म, मतलब ये जो बीच में ये जो चीज फॉर्म होगा, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी जानेंगे कि आर्म्स ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, द रेज मेकिंग एन एंगल, जब दो रे एक एंगल को बना रहा होगा तभी उनको बोलेंगे। दो रे रहना काफी नहीं, मतलब दो रे क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है, दो से तीन भी रे हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ये एक रे है, सॉरी ये दो रे है, ये दो रे एक एंगल बना रहे हैं, तो ये दो रे को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल, तभी हम लोग रे नहीं बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। अभी आते हैं वर्टेक्स पर, ठीक है, अभी आते हैं वर्टेक्स पर, द एंड पॉइंट ऑफ द रेज आर नोन एज वर्टेक्स, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं रे का उनको हम लोग वर्टेक्स बोल देंगे, ठीक है, जैसे कि ये एक रे है, ये एक रे है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोल देंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग वर्टेक्स बोल देंगे, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, आई होप कि आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखेंगे, जानेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखते हैं। देखो एंगल बहुत सारे होते हैं, हम लोग क्लास 9th में कुछ ही एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंगल, बाकी के जो भी एंगल्स हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मुझे याद है बट मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है, मुझे याद है वैसे। देखो एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा के बीच में कोई एंगल लाए करता होगा, तभी उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो अगर मैं कोई भी एंगल लूं, जैसे कि जो कि 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम हो, जो कि 0 डिग्री से ऊपर हो और 90 डिग्री से कम हो, सपोज मैं लूंगा 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री में ले रहा हूं, तो 47 डिग्री क्या ये 0 डिग्री से ज्यादा है? बिल्कुल 0 डिग्री से ज्यादा है। क्या 90 डिग्री से कम है? हाँ 90 डिग्री से कम है। अगर मैं लू 407, अगर मैं लू 407 डिग्री, तो क्या ये 90 डिग्री से कम है? नहीं है कम। क्या ये 0 डिग्री से ज्यादा है? हाँ 0 डिग्री से ज्यादा है। एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, 90 से ज्यादा है ये, 90 से कम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। वैसे ये वाला एंगल होता भी नहीं है ना, ये वाला एंगल होता भी नहीं है, 360 से ऊपर जो भी एंगल आपको बोला जाएगा वो एंगल्स होते ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो
देन द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, जब 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। और देखो ये एक आपका फिगर दिया गया है, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स जो हैं, यहाँ पर साइड में फिगर है, लेफ्ट हैंड साइड में फिगर है और राइट हैंड साइड में उसका डेफिनेशन और एग्जांपल लिखा गया है। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमारे पास एक फिगर है, सपोज इसको हम लोग ए और बी नेम करते हैं, इसको हम लोग सपोज ए और इसको हम लोग सपोज बी लाई करते हैं। ठीक है, ए और बी नेम करते हैं। ठीक है, तो और इसको सपोज ओ नेम करते हैं। ठीक है, इसको सपोज ओ नेम करते हैं। अभी क्या है कि ओ ए और ओ बी एक रे है, ओ ए और ओ बी एक रे है, और ये क्या है, ये उसका सेम एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है ना ये कॉमन एंड पॉइंट या फिर सेम एंड पॉइंट है। ठीक है, और ये एक एंगल बना रहा है, एंगल एक्स। ठीक है, एंगल एक्स बना रहा है ये, तो एंगल एक्स क्या ये एक्यूट एंगल है? बिल्कुल एक्यूट एंगल है, फिगर से ही देख के पता चल जा रहा है। 90 डिग्री ऐसा होता है, एक्यूट एंगल कुछ ऐसा होता है, ये वाला एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो एग्जांपल के लिए क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री ग्रेटर देन एक्स। मतलब देखो 90 डिग्री ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, समझ में आ गया? एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, एक्स लेस देन 90 डिग्री, ऐसे समझ लो कि एक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री और एक्स लेस देन 0 डिग्री। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है आपके पास राइट एंगल, देखो ये एक्यूट एंगल था, ये राइट एंगल आ गया, ये एक्यूट एंगल था, ये राइट एंगल आ गया। ठीक है, मतलब बस ऐसे वाला जो एंगल था ना ये आपका ऐसे हो गया, समझ में आ गया? हाँ, चलो चल आगे चलते हैं। हाँ देखो ये राइट एंगल है, अभी आपको राइट एंगल क्या ही समझाऊं, राइट एंगल पता ही होगा आपको, फिर भी देखो, व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब कोई भी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो रहा होगा तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल, व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। एग्जाम्पल के लिए वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इस फिगर के अंदर y क्या है, y आपका 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अच्छा वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो एंगल जो है ना, वो एंगल दो रे से फॉर्म हो रहा होगा। देखो जरूरी नहीं कि दो ही रे हो, को तीन भी हो सकता हो, लेकिन रे से फॉर्म हो रहा होगा, दो या फिर दो से ज्यादा रे से वो एंगल आपका फॉर्म हो रहा होगा, तभी उसको हम लोग ये जितने भी एंगल के नाम आएंगे वो एंगल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी चलते हैं, देखो स्विच ऑन होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पर। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो है ना एक्यूट एंगल का उल्टा होता है। मतलब एक्यूट एंगल का उल्टा का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एंगल का मेजर जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। सपोज इसको हम लोग पी नेम देते हैं, इसको हम लोग ओ नेम देते हैं और इसको हम लोग क्यू नेम देते हैं। ठीक है, सपोज इसको हम लोग पी नेम देते हैं, इसको ओ और इसको क्यू। ठीक है, ओपी और ओक्यू रे हैं, ओपी और ओक्यू दो रे हैं और ये सेम एंड पॉइंट ओ है। ठीक है, सेम एंड पॉइंट ओ है। अभी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज एंगल जेड। तो 90 डिग्री लेस देन एंगल जेड लेस देन 180 डिग्री, मतलब जेड ग्रेटर देन 90 डिग्री, जेड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जेड ग्रेटर देन 90 डिग्री, जेड लेस देन 180 डिग्री।
ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं स्ट्रेट एंगल पर, अभी आगे चलते हैं स्ट्रेट एंगल पर। सॉरी, देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? व्हेन द एंगल फॉर्मड बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब एक एंगल स्ट्रेट लाइन के द्वारा फॉर्म हो, सपोज ये वाला लाइन आपका एस, ये वाला लाइन आपका एस टी है, ठीक है, सपोज ये वाला लाइन आपका एस टी है, ठीक है, एस टी है, तो एस टी जो लाइन है ये एक लाइन है, इस लाइन के द्वारा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये एंगल पी फॉर्म हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा एंगल पी फॉर्म हो रहा है। अगर एंगल पी फॉर्म हो रहा है और एंगल पी का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और हम लोग इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है, पूरे एंगल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जाम्पल पी इक्वल टू 180 डिग्री, इस फिगर के अंदर पी की वैल्यू है 180 डिग्री। अच्छा, वैसे यहां पर एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो लाइन है ना, ये दो रे से क्रिएटेड है। सपोज अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज पॉइंट ओ ले लें यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ओ ले लें, तो ओ टी एक रे हो जाएगा और ओ एस एक रे हो जाएगा, ठीक है, ओ टी एक रे हो जाएगा और ओ एस एक रे हो जाएगा, ठीक है, दो दो रे हैं। अभी आगे चलते हैं, आई होप आपको स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया है। अभी रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं, एक मिनट रुकना, अभी रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं, एक मिनट रुकना, पानी पी लूं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, जब एक एंगल का मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, जब कोई भी एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है, जब कोई भी एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा हो और 380 डिग्री से कम, सॉरी 360 डिग्री से कम हो, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कुछ ऐसा दिखता हो, ये जो एंगल क्यू है ना, जो एंगल क्यू दिख रहा है ना आपको, यही है आपका रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री लेस देन क्यू लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री लेस देन क्यू लेस देन थ्री, मतलब क्यू क्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री से क्यू कम है और 180 डिग्री से क्यू ज्यादा है, समझ में आ गया, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है, बोला? अच्छा, कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है आपका जो एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हो, 360 डिग्री यानी ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड हो 360 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जब कोई भी एंगल का वैल्यू 360 डिग्री हो, तभी उस एंगल को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है, जैसे आर इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, सपोज जैसे आर इक्वल टू 360 डिग्री। अभी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। उससे पहले रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं? बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, हाँ जी, चलो देखो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री इक्वल टू हो, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, देन एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंटरी एंगल्स। देखो ये एक फिगर है आपका, ये एक फिगर है आपका, इस फिगर के अंदर क्या दिख रहा है आपको? ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, हम लोग ऐसे मानेंगे नहीं, हम लोग ऐसे मानेंगे नहीं। सपोज बी की वैल्यू है 60,
ए की वैल्यू है 30, और बी और ए को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, बी और ए को अगर ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर 90 डिग्री बन गया तभी उन दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलेंगे, ना कि 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एंगल्स लिखा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने एंगल्स लिखा है यहाँ पर, एंगल नहीं लिखा है, एंगल्स लिखा है। ठीक है, एस एक ऐड किया है सामने। ठीक है, जब ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तभी आप लोग क्या बोलोगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी सप्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। अभी सप्लीमेंटरी एंगल्स देखो 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 कैसे फिगर कैसे चेंज हो रहा है। हाँ देखो, ये फिगर है आपका, कैसे ये वाला जो रे है और ये वाला एंगल है, जो देखो कैसे चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। और सब कुछ कॉन्स्टेंट है कि नहीं, और सब कुछ कॉन्स्टेंट है कि नहीं, है ना, बस फिगर पर नजर डालो, है ना, कॉन्स्टेंट है ना। देखो, सप्लीमेंटरी एंगल्स किसको बोलेंगे, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तभी हम लोग उसको सप्लीमेंटरी एंगल बोलेंगे। ठीक है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तभी हम लोग उसको सप्लीमेंटरी एंगल बोलेंगे। अरे यार, 180 डिग्री बोला है, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया गया है। एक मिनट रुकना, गलत बनाया गया है ना, गलत बनाया गया है फिगर, है ना, गलत बनाया गया है फिगर। मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं एक फिगर बना दूंगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है, एक फिगर बना देता हूँ अच्छे तरीके से। एक मिनट रुकना बस, एक मिनट रुकना बस, मैं एक फिगर बना देता हूँ, है ना। थोड़ा सा बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट रुक जाओ बस। ए भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। और यहाँ पर क्या करूंगा ना, मैं इसको भी यहां से एक, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लोग सपोज बी नाम देंगे, और ये वाले एंगल को हम लोग सपोज ए नाम देंगे। ठीक है, फिगर रिप्लेस हो गया है बच्चों, फिगर रिप्लेस हो गया है बच्चों, मन के बच्चों, है ना, फिगर रिप्लेस हो चुका है, मैंने फिगर रिप्लेस कर दिया है। देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल्स। जब कोई भी दो एंगल का मीजर 180 डिग्री के बराबर होगा तभी उन एंगल्स को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंटरी एंगल्स। जैसे कि ए की वैल्यू अगर हमारे पास 100 डिग्री है, ठीक है, सपोज ए इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंड बी इक्वल टू, ये 1000 लिख रहा है क्या बेटा, 1000 लिख रहा है क्या? अरे यार मैं अभी, हाँ ठीक है, सपोज ए इक्वल टू 100 डिग्री, अरे यार हाँ, सपोज ए इक्वल टू 100 डिग्री और बी इक्वल टू आपका आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी आपका सप्लीमेंटरी एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंटरी एंगल्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं, एडजसेंट एंगल्स की तरफ चलते हैं। एडजसेंट एंगल क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है, एडजसेंट एंगल क्या होते हैं देखते हैं। व्हेन एनी टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, जब कोई भी दो एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होता होगा, कॉमन आर्म होता होगा, एंड देयर आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स एंड द एंगल्स आर एडजसेंट एंगल्स। जब कोई भी दो एंगल्स का, देखो कोई भी दो एंगल्स का, एंगल कब फॉर्म होता है, कभी भी एंगल कब फॉर्म होता है, जब कोई भी दो रे, जब कोई भी दो रे
सेम एंड पॉइंट से निकलते हो। जैसे कि ये एक अगर रे पी क्यू है, ये क्यू बना दिया इधर, सॉरी ओ क्यू है, ठीक है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ पर आर है। देखो देखो, सपोज ये रे ओ आर है, ठीक है, रे ओ आर है, और ये जो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर एक एंगल है, आर ओ आर सॉरी ये क्यू है यार, क्यू को भी मैं आर समझ रहा हूँ, पी ओ क्यू एक एंगल है, क्यू ओ आर एक एंगल है कि नहीं, पी ओ आर इज एडजेसेंट टू आर ओ, सॉरी यार ये आर क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्यू को बार बार देखो, पी ओ क्यू इज एडजेसेंट टू एंगल क्यू ओ आर। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, देखो जब कॉमन वर्टेक्स हो, ये दो एंगल तो हम लोगों ने बना दिए, बट बनाएंगे कैसे, जब उसकी कोई कॉमन वर्टेक्स हो। अभी वर्टेक्स किसको हम लोगों ने बोला था बेटा, वर्टेक्स किसको बोला था, अभी हम लोगों ने इस चीज को हम लोगों ने वर्टेक्स बोला था ना, इस वाले चीज को हम लोगों ने वर्टेक्स बोला था ना, इस वाले चीज को हम लोगों ने वर्टेक्स बोला था ना, तो ये क्या कॉमन वर्टेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको एडजेसेंट बोल रहे हैं। अच्छा और एक रीजन क्या होगा, एक कॉमन आर्म है, ये क्या है, ये जो बीच में आपको आर्म दिख रहा है, क्या है, ये एक कॉमन आर्म है, कॉमन रे है, आर्म भी बोल सकते हो, रे भी बोल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू ये आर लिखा है, हाँ कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। देखो कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म, जैसे कि ओपी और ओआर हो गए, नॉन कॉमन आर आर्म ओपी और ओआर हो गए, वो अलग अलग साइड में हो, वो दो अलग अलग साइड में हो। देखो ओ आर अलग साइड में है, ओपी अलग साइड में है, ओ आर अलग साइड में है, ओपी अलग साइड में है, तभी क्या हो गया कि हमारा ये जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल को हम लोग एडजसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है, ये दो एंगल को हम लोग एडजसेंट एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर दी एडजसेंट एंगल्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, चलो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं अभी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं अभी, ठीक है, देखो व्हेन, अच्छे से समझना, अच्छा ये हम लोग बाद में समझते हैं, क्योंकि अभी आगे पैरेलल लाइंस भी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, तो वो समझने के बाद ये सब समझेंगे। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स आपका टॉपिक है, पेयर ऑफ एंगल्स पहले समझते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स पे से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पहले समझते हैं कि क्या होता है। व्हेन एनी टू रे मेक्स ए लाइन एंड अनदर रे स्टैंड्स ऑन इट, जब कोई भी दो रे एक लाइन बना रहा होगा, देखो जैसे ये एक रे है ए बी, ठीक है, ये एक आपका लाइन है ए बी और ये ओ है, मतलब ओ ए और ओ बी, आपका ओ बी एक रे है, ओ ए एक रे है, तो ओ बी और ओ ए मिलकर एक लाइन बन रहा है कि नहीं बेटा, ओ बी और ओ ए मिलकर एक लाइन बन रहा है कि नहीं बेटा, बिल्कुल बन रहा है। और ओ पी एक क्या है, ओपी एक रे है, ओपी क्या है, ओपी एक रे है, जो कि ए बी लाइन में स्टैंड कर रहा है, जो कि ए बी लाइन में स्टैंड कर रहा है, और जो दो एंगल्स यहाँ पर आपका फॉर्म होगा, दो एंगल्स यहाँ पर जो आपका फॉर्म होगा, वो दो एंगल्स आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे, और वो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, और वो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब बाद की बात है, वो सब प्रूव कर देंगे हम लोग, ठीक है, वो सब प्रूव कर देंगे हम लोग, अभी के लिए बस आप लोग जान 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 रखो कि जो ए और बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखो ओ ए और ओ बी एक रे है, ठीक है, ओपी ओपी ये ए बी लाइन में स्टैंड कर रहा है, ओ बी और ओ एक रे है, और ए बी एक लाइन हो गया, ठीक है, ओबी और ओए जब मिल गए और ए बी एक लाइन हो गया, तभी ओपी यहाँ पर आकर स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर आकर खड़ा हो रहा है, और पी ओ बी और पी ओ ए, तभी क्या हो रहा है, पी ओ बी और पी ओ ए एंगल बन रहे हैं, और जब हम लोग पी ओ ए और पी ओ बी एंगल को जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे,
तभी क्या बन जाएगा, तभी 180 डिग्री बन जाएगा, तभी 180 डिग्री बन जाएगा। और वही दो एंगल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और वही दो एंगल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी आगे चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखते हैं, ठीक है भैया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखते हैं भैया, ठीक है। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है, व्हेन एनी टू लाइंस, जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, द अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तभी क्या हो जाएंगे, वो जो ऑपोजिट एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे होंगे, वो जो ऑपोजिट एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे होंगे, वो आपके एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि ऑपोजिट एंगल यहाँ पर फॉर्मूला, सपोज ये हम लोग लाइन लेंगे ए डी, और ये सपोज लेंगे पी और क्यू, ठीक है, सपोज लेंगे पी और क्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, पी और क्यू, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका हो रहा है AOQ इक्वल टू POB हो रहा है, AOQ इक्वल टू POB हो रहा है, AOQ इक्वल टू POB हो रहा है, क्योंकि ये दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ऑपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ पर AOP इक्वल टू QOB हो रहा है, क्योंकि ये दो भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, एक दूसरे के साथ आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तभी इन एंगल्स को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कभी ये एंगल इस एंगल के साथ बराबर नहीं होगा, ठीक है, कभी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होंगे, बस ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या क्या होते हैं। दो टाइप्स ऑफ लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए एक, और एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, व्हेन एनी टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब एक पॉइंट में कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो, कोई भी दो लाइन आकर मिलती हो। इंटरसेक्टिंग का लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि मिलना, ठीक है। कोई भी दो लाइन अगर आकर एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट में मिल रहा होगा, तभी उन लाइंस को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, तभी हम लोग उन लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि ए डी और सी डी, सॉरी ए डी और सी बी, आपका क्या हो रहा है, आपका एक दूसरे के साथ मीट हो रहा है एट अ पॉइंट ओ, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ओ। स्पेसिफिक पॉइंट ओ में ए डी और सी बी मीट कर रहा है, तभी हम लोग ये ए डी और सी बी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। तभी हम लोग ए डी और सी बी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में समझते हैं। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हो, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन वो कहलाएगा। लेकिन यहां पर उसका उल्टा ही होता है, यहां पर उसका उल्टा ही होता है। यहां पर जब दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब ए बी सी डी से जितना दूरी में है, सी डी ए बी से उतना ही दूरी में होगा, मतलब ये इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट में है, देन द लाइंस आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। तभी ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। समझ में आ गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। अभी चलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर। अभी आपको पता चल गया है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं और आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। अभी चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, व्हेन एनी टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब भी कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज एक पैरेलल लाइन है आपका ए बी और सी डी, सपोज एक पैरेलल लाइन है आपका ए बी और सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और
पीक्यू उसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल यानी क्या है, ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन है जो कि ए बी और सी डी को कट कर रहा होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन है जो कि ए बी और सी डी को कट कर रहा होगा। जब ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, ठीक है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल पी क्यू उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल, जो एंगल फॉर्म होंगे अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड टू पैरेलल लाइंस। अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है और एंगल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, ये दो अपोजिट साइड्स है, ट्रांसवर्सल के दो अपोजिट साइड है। बाकी कौन से अपोजिट साइड है, क्या वो एक्सटीरियर साइड एक्सटीरियर एंगल के साइड है, क्या वो इंटीरियर एंगल के साइड है, ये इंटीरियर एंगल के साइड है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के साइड में है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल एक दूसरे के साथ आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी सी एंड डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ए बी और सी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दो और वो दो पेयर ऑफ एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल भी हैं। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो भैया ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, व्हेन एनी टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन सपोज ए बी और सी डी पी क्यू नाम के इंटरसेक्टिंग लाइन से ट्रांसवर्सल होते हैं, ठीक है। जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस पी क्यू नाम के ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होते हैं तभी क्या होता है, तभी जो The angles formed on the same side of transversal with one inside and one outside, ठीक है। देखो देखो दो लाइंस पैरेलल है और एक पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है उनको, पी क्यू ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स फॉर्म होंगे, एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, जब फॉर्म हो रहे होंगे कुछ ऐसे एंगल्स, तो ये एंगल ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ये एंगल सी इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा। जैसे ए एंड बी सी एंड डी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। समझ में आया है ना, ओके आगे चलते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल, अभी जानेंगे कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल क्या होता है। इन एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। व्हेन एनी टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट हुई हो, द एंगल्स फॉर्मड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइंस विल बी सप्लीमेंटरी एंड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही होगी और जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के फॉर्म होंगी उनके अंदर, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस जो है पैरेलल लाइंस के अंदर ये जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के साइड में ये क्या हो रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे दो एंगल्स, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और सी प्लस डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा नहीं, बाय एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। समझ में आया, समझ में आया, आगे चलते हैं। ये सब हम लोगों ने देख लिया है, अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है। ये एक धमाकेदार सा लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है, धमाकेदार सा लल्लू क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से भैया कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इनमें से हमारे
कौन से भैया करेक्ट हैं? ए भैया करेक्ट हैं, या फिर बी भैया करेक्ट हैं, या फिर सी भैया करेक्ट हैं, या फिर डी भैया करेक्ट हैं? हमको वो देखना है। देखो देखो, ये फिगर को अच्छे से पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? इस फिगर हम लोग पहले अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सी प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री एज सी एंड ई आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो फिगर को मत देखो अभी, अभी फिगर को, हाँ फिगर को देखो, देखो कि सी इधर है और इधर पी है, ठीक है? सी और पी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन क्या हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था, क्या हमारा ये बात हुआ था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? क्या ये हमारा बात हुआ था? है क्या हमारा ये बात होता? नहीं हुआ था। कब होगा 180 डिग्री? जब एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। डी इक्वल टू एस है, डी इक्वल टू एस है, एस डी एंड एस, ये एच गलती से हुआ है तो इसको मैं एच एस एस कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं एस कर देता हूँ, एक मिनट रुकना, इसको मैं एस कर देता हूँ, ये गलती से हो गया है ना। ओके देखो, इसको एस, हाँ इसको मैंने एस कर दिया है। देखो अभी डी इक्वल टू एस, एस डी एंड एस आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। डी इक्वल टू एस क्यों है ना? डी क्यों है? क्योंकि डी और एस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। डी इक्वल टू एस बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या ये सही हो जाएगा? हाँ ये सही हो जाएगा। अब ये दूसरे ऑप्शन देखने ही नहीं है, दूसरे ऑप्शन देखने ही नहीं है, है ना? क्योंकि ये हम लोग अभी सही मार्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? बी इक्वल टू आर एंड बी एस बी एंड आर आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी नहीं होगा, ये आर होगा, उसको सही कर लेना, ठीक है? बी इक्वल टू आर एस बी एंड आर आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी इक्वल टू आर, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ही नहीं, है ना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ही नहीं। ए इक्वल टू पी एज ए एंड पी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए इक्वल टू पी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए ही नहीं, तो ये इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया सक्सेसफुली। अभी आगे चलते हैं, ठीक है? देखो देखो देखो, एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, शिद्दत से करते हैं। देखो एसर्शन ए, इन दिस फिगर इफ पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल एन। इस फिगर के अंदर ये बोला जा रहा है कि एक सॉरी दो पैरेलल लाइंस है और उनको ट्रांसवर्सल एन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या एक्स की वैल्यू 25 डिग्री होगी? क्या एक्स की वैल्यू 25 डिग्री होगी? अच्छा जी चलो उसको चेक कर लेते हैं। अभी कैसे चेक करेंगे? मुंह में चेक कर लेंगे। देखो हमको ये पता है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल अगर है तो उन एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? उन एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल हैं तो उन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 3x+5 एक एंगल का सम मीजर है और 4x एक एंगल का मीजर है, तो 3x+5+4x अगर कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3x और 4x को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 7x आ रहा है। आपका आंसर कितना आ रहा है? 7x आ रहा है। तो 7x+5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 7x+5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 180 माइनस 5, 5 प्लस में था उस तरफ गया माइनस हो गया, 5 प्लस में था उस तरफ गया माइनस हो गया, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया? 175, ठीक है? 7x इक्वल टू 175, ठीक है बेटा, ठीक है? 180 डिग्री से 5 गया तो 175 डिग्री हो गया। तो आपका x की वैल्यू कितना आ रहा है ना? आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है? x इक्वल टू 175/7 हो गया, 175/7 हो गया। तो आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आपका x का वैल्यू? 7 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे?
175 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 175 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है आपका 175 बाय, आपका कितना है ये 7, ठीक है, ये 7 है। 7 2 14 डालेंगे 35, 7 35 देखो 25 डिग्री आ रहा है कि नहीं, है 25 डिग्री आ रहा है कि नहीं, हाँ 25 डिग्री आ गया। तो क्या ये एसर्शन सही है? हाँ एसर्शन सही है, एक्स का वैल्यू हमको 25 मिल गया है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किए गए हो, देन द ईच ऑफ द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। तो आपको मैं एक बात इधर बताना भूल गया, आपको मैं एक बात इधर बताना भूल गया कि जो कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, ये तो कॉन्जिक्यूटिव इनको जो को इंटीरियर एंगल हम लोग बोलते हैं ना, को का जो हमारा क्या है, को का फुल फॉर्म है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इनको हम लोग सप्लीमेंटरी इसीलिए बोलते हैं, सप्लीमेंटरी भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो सी और डी आपका सप्लीमेंटरी एंगल्स भी हो गया, ए और बी आपका सप्लीमेंटरी एंगल्स भी हो गया, ठीक है, इसलिए हम उनको कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो कि सप्लीमेंटरी भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब एसर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए नंबर से ही आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इन द गिवन फिगर डिटरमाइन एक्स, ये एक आपका फिगर है, इस फिगर में आपको एक्स पूछा गया है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो एक्स की वैल्यू इधर टू वेज में निकलेगी, ये पूरा एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन में हमको ये पता है कि अगर एक लीनियर पे या फिर अगर एक रे स्टैंड करता हो तो जो दो एंगल फॉर्म होंगे वो एंगल का मीजर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, एक लाइन में अगर एक रे स्टैंड करता होगा, अगर एक रे स्टैंड करता होगा तो दो जो एंगल फॉर्म होंगे उनका मीजर हो जाएगा 180 डिग्री। सेम केस हो रहा है ऊपर में भी नीचे में भी, ऊपर में भी नीचे में भी, तो ऊपर क्या है 3x और 3x है, नीचे क्या है x और 150 है, अगर हम लोग 3x प्लस 3x कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग 3x प्लस 3x कर देंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो 3x प्लस 3x इतना होता है 6x होता है, 6x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, अभी 6 मल्टीप्लाइड है एक्स में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 6 2 18 है, ठीक है, सॉरी 6 2 18 नहीं है, ये गलत दिया गया यहाँ पर, है ना, इधर गलत दिया गया है, एक मिनट रुक जाना, 6 3 18 होता है, ये 2 2 हो गया है ना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, इधर 3 कर दो, इधर 3 कर दो, ठीक है, इधर 3 कर दो, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, सॉरी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, सेम करो यहाँ पर नीचे भी, सेम करो यहाँ पर नीचे भी, एक्स प्लस 150 करो, एक्स प्लस 150 करो, तो एक्स प्लस 150 इक्वल टू 180 हो गया, तो 150 उधर गया, देखो इधर मैं करता हूं, हम एक्स प्लस 150 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180, ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इधर एड मतलब प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा x इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमको दोनों मेथड से मिल रहा है, तो आप लोग को जो मेथड इजी लग रहा है वो मेथड करो, वैसे ये मेथड ज्यादा इजी है ना, इस मेथड के कंपैरिजन ये मेथड ज्यादा इजी है, मतलब क्या है कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये वाला मेथड, है ना, ये वाला मेथड ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं,
अभी आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर डिटरमाइन एंगल आर ओ टी इफ रे ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ पी एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, देखो। हाँ, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया है ना, अभी आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो, इधर बोला गया क्या है कि आर ओ टी, ये एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर आर ओ टी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उससे पहले क्या है, उससे पहले आपका रे ओ आर और रे ओ टी आपका एंगल एस ओ क्यू और एंगल एस ओ पी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल एस ओ पी को रे ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। अभी एंगल एस ओ क्यू को रे ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी समझ में आ गया हमको, है ना। यही बोला गया है बस इस क्वेश्चन के अंदर। अभी हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, है ना, ये वाला कंप्लीट एंगल ढूंढना पड़ेगा। देखो, इधर क्या दिया गया है, इधर दिया गया एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ एस, है ना, एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स। एंगल आर ओ पी हमको एक्स ऑलरेडी दिया गया है, एंगल आर ओ पी हमको ऑलरेडी एक्स दिया गया है। अभी क्या करना पड़ेगा कि देखो, क्योंकि एंगल आर ओ पी इक्वल एंगल आर ओ एस है, तो एंगल आर ओ एस का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना, एंगल आर ओ एस का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अभी अभी सपोज हम लोग एंगल टी ओ क्यू को वाई ले लेंगे, ठीक है, या फिर क्यू ओ टी को वाई ले लेंगे, तो आपका एस ओ टी क्या आ जाएगा, एस ओ टी भी आपका वाई आ जाएगा, एस ओ टी भी आपका वाई आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको कि एक्स प्लस वाई वाले की डिग्री। क्यों क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है, पीओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, पीओ क्यू एक लाइन है, एसओ पी प्लस एसओ क्यू कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एसओ पी क्या है, 2x है, एसओ क्यू क्या है, 2y है, तो 2 ऑफ x प्लस y हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अभी x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और x की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, आर ओ पी, है ना, हाँ आर ओ पी लिख सकते हो, फिर आर ओ एस लिख सकते हो, है ना, आर ओ पी लिख सकते हो, फिर आर ओ एस, क्योंकि हमको आर ओ टी ढूंढना होगा तो हम लोग आर ओ एस लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आर ओ एस लिखेंगे, देखो एक्स की वैल्यू आर ओ एस लिखेंगे, और वाई की वैल्यू क्या है, एस ओ टी, टी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आर ओ टी ढूंढ निकालना है, इसलिए एस ओ टी भी वाई है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह आर ओ एस लिखे, वाई की जगह एस ओ टी लिखे, जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, और इन दोनों का प्लस होकर कौन सा एंगल बन रहा है, आर ओ टी बन रहा है, तो आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री हमको मिल गया, ठीक है, आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। देखो, ये आपका एक फिगर है, इस फिगर में आपका क्या है, ये एक ओसी एक रे है जो कि ए बी लाइन में स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ओसी एक रे है जो कि ए बी लाइन में स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, हमको ये पता था कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या आपको बोला गया कि ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। अभी राइट एंगल हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल, और इसका अगर 1/3 करेंगे, 90 डिग्री का अगर हम लोग 1/3 करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 3 × 30 90 होता है, 3 × 30 90 होता है ना, तो हमारा क्या होगा कि ए बी से 30 डिग्री बड़ा है, ए बी से 30 डिग्री बड़ा है, ठीक है, ए बी से 30 डिग्री बड़ा है। अच्छा जी, ये हमको समझ में आ गया। अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इज ग्रेटर देन बी बाय बोला गया है, बाय का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन बाय मतलब ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी कितना आ गया, 1/3 × 90 आ गया, ठीक है, ए माइनस बी कितना आ गया, 1/3 × 90 आ गया। अभी ए माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया, 1/3 of 90 कितना होता है, 30 होता है, तो ए माइनस बी अभी 30 आ गया। अभी हम लोग अगर
बी को, सॉरी ए को इधर रखेंगे और माइनस बी को उधर भेज देंगे तो वो प्लस बी हो जाएगा, तो 30 + b हो गया है ना। ए का वैल्यू हमको मिल गया 30 + b। अभी हमको पहले से पता है कि ए प्लस बी 180 डिग्री है, अभी हमको पहले से पता है कि ए प्लस बी 180 डिग्री है बाय लीनियर पेयर है ना, हमको ये पता है। तो ए की जगह में ए की वैल्यू डाल देंगे 30 + b, और बी तो बी ही रहेगा, अभी बी तो बी ही रहेगा। अभी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री एज लीनियर पेयर। ठीक है, देखो अभी 30 b + b कितना होता है, 2b होता है, तो 30 + 2b आ गया इक्वल टू 180 डिग्री, 30 + 2b इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अभी 2b इक्वल टू 150 डिग्री हो गया, 30 डिग्री उस तरफ जाकर माइनस हुआ, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है, 150 डिग्री होता है। तो b की वैल्यू हमको 75 डिग्री मिल गया, कैसे, टू उधर इधर मल्टीप्लाई हुआ था तो उधर जाकर वो डिवाइड हो गया, तो 2 × 7 = 14 हो गया और × 5 = 10 हो गया, तो 75 डिग्री आपका बी एंगल मिल गया हमको। अभी ये जो हमको इक्वेशन मिला था ना ए इक्वल टू 30 + b, तो बी की जगह में हम लोग 75 डिग्री डाल देंगे। ए इक्वल टू 30 डिग्री + 75 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, 105 डिग्री होता है, एंड बी इक्वल टू 75 डिग्री, और बी कितना होता है, 75 डिग्री हुआ। ठीक है, तो हमको मिल गया ए की वैल्यू 105 और बी की वैल्यू 75, इनको अगर ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो अगर 180 डिग्री बराबर हो गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं होमवर्क की तरफ चलते हैं, मतलब ये वाला आपका, ये वाला लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका ये जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी आपके लिए कुछ होमवर्क है, देख लो, ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने की कोशिश करना अप टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तक, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करने की कोशिश करना। आई थिंक 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बने तो भाड़ में जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बने तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उनको ऑलमोस्ट कवर अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको ऑलमोस्ट कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो पढ़ेंगे ना, मैंने इधर लिस्ट करके लाया था, किधर गया यार, मैंने इधर लिस्ट करके लाया था। अच्छा वो, हाँ आपको एक इंसिडेंट बताऊं, आज क्या हुआ ना, एक मिनट रुक जाना, हाँ होमवर्क बाद का दिखा देता हूँ। आज क्या हुआ ना, आज जो है ना, मैंने एक बार स्लाइड बना लिया था। ठीक है, आज मैंने एक बार पूरा पूरा स्लाइड बना लिया था, पूरा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन तक बना लिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं लिखे थे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तक हम लोगों ने मतलब मैंने स्लाइड बना दिया था। बट क्या हुआ, कभी मेरा लैपटॉप गलती से शट डाउन हो गया है ना, गलती से शट डाउन हो गया। शट डाउन होने के बाद मैंने सोचा कि हाँ वो फाइल रिकवरी के लिए ऑप्शन आता है तो आ जाएगा। जब मैं खोलता हूँ, ठीक है, जब मैं वो पूरा सब कुछ शट डाउन के बाद मैंने ऑन किया लैपटॉप को, उसके बाद पावर पॉइंट खोला, मैंने सोचा कि वो फाइल होगा, जब मैं देख रहा हूँ तो वो फाइल नहीं है, फाइल की जगह दूसरा फाइल हो गया है ना, मैंने वो फाइल सेव करना भी भूल गया था। तो क्या हो गया, मेरा पूरा लॉस हो गया, टाइम पूरा बर्बाद हो गया मेरा, वो वाला जो मैंने बनाया था इतना। तो इसीलिए मैं, मुझे अभी याद आया कि मैंने उधर लिखा था कि आगे के दो जो दो लेक्चर्स आएंगे, अभी 2-3 लेक्चर्स आएंगे, उस लेक्चर्स में क्या होगा, मैंने उधर लिख कर रखा था, अभी मुझे याद आ रहा है कि वो तो पुराना वाला स्लाइड है ना, ये वाला नया स्लाइड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बनाकर रखा था कि एग्जाम्पल कुछ करेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ हम लोग थ्योरम्स देखेंगे, कुछ एग्जियम्स देखेंगे, और हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क को हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्योरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस होमवर्क को पहले में श्योरली डिस्कस करेंगे कि देखो ये आपका ये पूरा एक फिगर है, ये रे ओ बी है, रे ओ ए है, रे ओ ई है, रे ओ डी है, और रे ओ सी है। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई है द कॉमन एंड पॉइंट। हाँ, कॉमन एंड पॉइंट है आपका ओ। ठीक है, इधर बोला गया कि ये पूरा सारे रे के पास कॉमन एंड पॉइंट ओ है, तो
तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा एंगल एओबी, एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल डीओई, एंगल एंड एंगल ईओए इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये सारे एंगल्स को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो 360 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इजी है तो आप लोग इसको कर सकते हो, आई होप। होमवर्क में अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं। अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो यहाँ पर नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, पहले करके आओ, ठीक है, पहले करके आओ, अपने ओर से पहले करके आओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्योरली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई, बाय।